दोस्तों, किसी भी विंडोज़ के इंस्टॉल करने के बाद मदरबोर्ड का जो ड्राइवर होता है उसको लेकर के हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मदरबोर्ड के साथ जो सीडी आता है बेसिकली वो सीडी जो है हम लोग पीसी के अंदर, अभी जो नया पीसी इसके अंदर हम लोग इंसर्ट नहीं कर सकते, वो क्योंकि ज़्यादातर पीसी में जो है सीडी ड्राइवर अवेलेबल नहीं होता है, हम लोग नहीं लगवाते हैं क्योंकि उसका ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन जो मदरबोर्ड का ड्राइवर है ये वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, इसको जो है आपको डाउनलोड करना है या तो सीडी से लेकर के आपको इंस्टॉल करना है, नहीं तो आपका जो विंडोज़ है प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो इसको किस तरीके से फाइंड आउट करना है वो आपको दिखाएंगे। आपका सिस्टम का जो मदरबोर्ड है, आपका जो मदरबोर्ड है उसका जो मॉडल है, एग्जैक्ट मॉडल, उसका नंबर कैसे आपको निकालना है, साथ ही साथ जो है किस तरीके से उसका ड्राइवर, चिपसेट ड्राइवर आप डाउनलोड कर सकते हो वो भी इसके लिए दिखाएंगे। तो उसको जो आपका जो मदरबोर्ड है उसका नंबर देखना सबसे पहला ज़रूरी है। तो इसको देखने के लिए आप किसी भी विंडोज़ पे देख लीजिए, विंडोज़ 11 है, 10 है, 7 है, 8.1 है, 8 है, किसी भी तरीके का आप विंडोज़ इस्तेमाल करते हो, सिंपली उसके अंदर आपको माउस के अंदर एक कीबोर्ड शॉर्टकट आपको देना है, विंडोज़ जो बटन है कीबोर्ड का उसको एंड आर एक साथ आपको प्रेस करना होगा, तो रन कमांड जो है ये ओपन हो जाएगा। या तो आप सर्च के अंदर जाके सिंपली आप यहाँ पे आर यू एन रन जो है, ऑब्वियसली सबको पता है रन जो है लिखना है, एंड यहाँ पे रन आपको दिखाई देगा, इसके ऊपर राइट माउस बटन क्लिक करके यहाँ पे आप जो है ओपन कर सकते हो, या तो इसके ऊपर डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो। तो रन जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे एक कमेंट आपको लिखना होगा, एम एस इन्फो 32, इसको लिखने के बाद आपको एंटर करना होगा। ये जो चीज़ है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पे तो आपको मैंने बता दिया एम एस इन्फो 32, फिर यहाँ पे ओके या तो आपका कीबोर्ड का एंटर आपको प्रेस करना होगा, तो आपका सिस्टम का सार के सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे प्रोसेसर है पेंटियम डुअल कोर सीपीयू 3 GHz का, E5700 सीपीयू का हमारा मॉडल है, काफ़ी पुराना सीपीयू है बेसिकली ये। आपको जो चीज़ यहाँ पे देखना है बेसिकली ये देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको देख सकते हो बेस बोर्ड प्रोडक्ट, बेस बोर्ड प्रोडक्ट जो है ये बेसिकली मदरबोर्ड आपका, मदरबोर्ड का मॉडल है TZ41WV। ये चीज़ जो है आपको याद रखना होगा या आप नोट डाउन कर लीजिए। तो सिंपली आप किसी भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको वो चीज़ सर्च करना होगा, जैसे कि देख सकते हो DG41WV, इसको लिखने के बाद आपको एंटर करना होगा, एंड ये जो है मदरबोर्ड, स्पेसिफिक मदरबोर्ड का चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। या तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो है सिस्टम मॉडल है, यहाँ पे आपको एक मॉडल दिखाई देगा, विंडोज़ 11 के अंदर ये चीज़ नहीं दिखाई रहा है, क्यों मुझे मालूम नहीं है, लेकिन विंडोज़ 7 के अंदर सिस्टम मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा, एग्जैक्ट मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी बेसिकली आप सर्च कर सकते हो। तो आपका जो मदरबोर्ड का मॉडल है उसको सर्च करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आपका मदरबोर्ड का सारे के सारे स्पेसिफिकेशन सब कुछ आ चुका है। तो सिंपली यहाँ पे ड्राइवर जो है आप डाउनलोड करेंगे, जैसे कि DG41WV ड्राइवर्स, ये आप सर्च करेंगे तो इसका जो ड्राइवर है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ये ऑफिशियल लिंक जो है ये आ जाएगा, देख सकते हो सपोर्ट फॉर इंटेल डेस्कटॉप बोर्ड DG41WV, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपका जो है ड्राइवर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो इंस्टॉल सेटअप एंड सारे के सारे यहाँ पे इसका जो ड्राइवर है, इंटेल डेस्कटॉप बोर्ड, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, सिंपली यहाँ से आप बेसिकली डाउनलोड कर सकते हो। आप जिस भी मदरबोर्ड आपका है, जेब्रोनिक्स का है, फोनटेक का नया वाला मदरबोर्ड है, ये सारे के सारे जो नया मदरबोर्ड है, चीपेस्ट जो मदरबोर्ड है, बजट मदरबोर्ड है, उसके अंदर ज़्यादातर केस में प्रॉब्लम होता है। MSI का मदरबोर्ड है, गीगाबाइट का मदरबोर्ड है, किसी भी मदरबोर्ड है, सिंपली यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करने के बाद आप नॉर्मली उसको इंस्टॉल कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, इसमें आपको कोई भी दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं। सिंपली आप डाउनलोड पर क्लिक कीजिए, ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर जाइए, आपको देखने को मिल जाएगा, ये देख सकते हो ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर ये यहाँ पे अवेलेबल है, तो ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर के ऊपर ये है, तो सिंपली इसके ऊपर आप डाउनलोड पर क्लिक कीजिए, ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पे आप डाउनलोड सेट करना चाहते हो, सिंपली ये जो है बेसिकली सारी की सारी चीज़ आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो ये है बेसिकली पूरा की पूरा चीज़। अगर आपको अभी भी डाउनलोड जो ड्राइवर है इसको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो बेसिकली आप जो है नीचे कमेंट्स बॉक्स है वहाँ पे जाके आप बता सकते हो। तो कमेंट्स बॉक्स में बताने के बाद आपको मैं रिप्लाई दे दूंगा कि आपको जो है आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये डाउनलोड नहीं हो रहा है, आपका मदरबोर्ड नंबर देंगे तो शायद मैं लिंक अगर निकल सकता हूँ तो आपको दे दूंगा, एंड वहाँ से जाके आप जो है बेसिकली इंस्टॉल कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा। अगर आपको लगा वीडियो हेल्पफुल है, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग डिजिटल पंडित। थैंक यू।